तो दोस्तों सबसे पहले ये मैजिक देखो तुम्हारे भाई की, मैजिक नहीं है कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको पूरा देखना। उसके बाद वीडियो में जो सारी बातें मैं करने वाला हूँ आपको सारी क्लियरिफाई हो जाएगी, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। और इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखते रहना, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक। तो जिस तरीके से आप लोग को दिख रहा होगा ये फ्यूल इंडिकेटर अभी ऑफ है, अगर मैं अपनी जो शहजादी है उसको स्ट्रेट रखता हूँ, ठीक, और जैसे ही मैं हल्का सा उसको टिल्ड करता हूँ या साइड स्टैंड पर लगाता हूँ तो ये देखो ऑन हो जाती है, ठीक है। एक और बार देखिए, जैसे अगर मैं इसे स्ट्रेट रखता हूँ तो ये ऑफ रहती है, और हल्का सा जैसे ही मैं इसे टिल्ड करता हूँ तो ये ऑन हो जाती है। इसी के बारे में सारी बातें मैं करने वाला हूँ, और जितने भी सारे आपके डाउट हैं इस फ्यूल इंडिकेटर लाइट को लेकर वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, दिस सौरभ, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने भाई सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। जैसे कि आपको मालूम है, जो क्लासिक 350 Bs6 हो या फिर अपनी स्टैंडर्ड Bs6 हो, उसमें एक इंडिकेटर दिया हुआ है, वो है फ्यूल इंडिकेटर। उसको लेकर भाई काफ़ी लोगों को डाउट है, क्योंकि भाई मैं पर्सनली अपने चैनल में देखता हूँ कि भाई बहुत सारे लोग वो कमेंट करते हैं। तो आपको मालूम है जो फ्यूल इंडिकेटर दिया हुआ है ना, वो फ्यूल इंडिकेटर के मीन मतलब वो एक रिज़र्व इंडिकेटर है। अगर आपकी जो बुलेट है ना, या फिर क्लासिक 350, अगर आपकी जो बुलेट है वो रिज़र्व में अगर जाएगी तो वो इंडिकेट करता है। भाई यहाँ पर दिया हुआ है इसका फ्यूल इंडिकेटर, ठीक है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा। अब बात करते हैं कहानी इसकी कि ये क्यों दिया हुआ है, इसे समझना इतना कठिन क्यों है भाई। वो ये कि भाई अब आपको मालूम है ये FI हो चुकी है, तो भाई इसमें कार्बोरेटर ऑन ऑफ पेट्रोल जो था ना, यहाँ पे एक स्विच लगा रहता था, वो दिया हुआ नहीं है, तो इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। अब जैसा कि आपको मालूम है भाई, जो ये टैंक है ना, इसकी कैपेसिटी है 13.5 लीटर की। अब इसमें मैक्सिमम जो फ्यूल है वो कितना रखना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसके लिए एक वीडियो बना हुआ है, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर आपने उस लेवल तक फ्यूल भरवा दिया है या फिर उससे हल्का सा कम भी रखा है, तो होता क्या है भाई, जैसे जैसे आप अपनी जो बुल है उसको राइड करोगे, है ना, घर पे तो रखोगे नहीं, धीरे धीरे राइड करोगे, तो जैसे जैसे जो फ्यूल है ना वो कम होते चलेगा ना, अब फ्यूल कम होगा तो भाई एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो ये आपकी FI लाइट है ना, ये ब्लिंक करने लगेगी। भाई मेरी नहीं हो रही है, क्योंकि देखो फ्यूल भर भर के रखता हूँ मैं। अब वो रीज़न क्या है, देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि भाई कभी वो ब्लिंक करता है और कभी कंटिन्यूसली जलता रहता है, तो भाई डाउट इसी पर ही है कि वो ब्लिंक कब करता है और कंटिन्यूसली ऑन कब रहता है। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखते रहिए भाई, क्योंकि मैं भी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखा इस टॉपिक के ऊपर, इतना डिटेल वीडियो तो शायद ही किसी ने बनाया होगा, सब लोगों ने, बस आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। तो भाई बात करते हैं आपका जो टैंक है वो, सबसे पहले ठीक है, आपकी जो बुलेट का जो टैंक है ना, स्टैंडर्ड का हो या क्लासिक का हो, वो 13.5 लीटर का है, ठीक है। और बात करते हैं उस फ्यूल इंडिकेटर लाइट की, तो भाई सबसे पहली चीज वो ऑफ रहेगी कब, जब आपका जो टैंक है भाई ऑब्वियसली फुल रहेगा तो वो ऑफ रहेगी। अब बात करते हैं उसका रिज़र्व कब लगता है, तो भाई कंपनी ने आपके जो वो रहती है ना मैनुअल रहता है, उसका जो पूरा डिटेल्स दिया रहता है, आपको जब बाइक खरीदते हैं कोई भी नई बाइक, तो उसमें मेंशन करी है कि 4 से 4.5 लीटर पर इसका रिज़र्व लगता है, ठीक है। मीन अगर आपके जो टैंक है आपकी जो बुलेट में, कोई भी हो, स्टैंडर्ड हो क्लासिक, अगर फ्यूल लेवल 4 से 4.5 लीटर तक आता है तो वो जो लाइट है वो ब्लिंक करेगी, ना कि कंटिन्यूस जलेगी। अब इसका रीज़न मैं बताता हूँ, देखो डिटेल रीज़न दे रहा हूँ। पहले की जो बाइक्स हुआ करती थी, जो कार्बोरेटर हुआ करती थी, ठीक है, और अब जो बाइक्स आ रही है वो FI आ रही है, तो जो पहले के जो टैंक हुआ करते थे ना, तो उसकी जो बनावट हुआ करती थी, आप लोगों ने देखा होगा भाई, अपन पेट्रोल डलवाते थे पुरानी बाइक्स में, तो कुछ पोर्शन उसका राइट साइड में रहता था, कुछ पोर्शन उसका लेफ्ट साइड में रहता था, कभी फ्यूल ख़त्म हो जाने पर उसे झुकाना पड़ता था और वो वापस स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ करता था। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, तो वो जो बनावट है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेफ्ट और राइट साइड की जो बनावट होती थी टैंक की वो 100% मतलब टोटल चेंज हो चुकी है, लेकिन हमें कह रहा हूँ भाई 96 से लेकर 97% वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब फ्लैट रहता है नीचे, इतना भी फ्लैट नहीं लेकिन फ्लैट रहता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि भाई FI बाइक है, FI बाइक में जो फ्यूल पम्प लगा रहता है ना, जो अपने को टैंक से फ्यूल खींचता है, तो उस पर क्या होता है कि जो फ्यूल है टैंक में रखा हुआ जो फ्यूल है ना, वो पूरा का पूरा प्रेशर के साथ, फ्यूल के ही जो दबाव है ना ऊपर का, फ्यूल का ही दबाव मतलब उस लिक्विड का ही प्रेशर से वो उस फ्यूल तक पहुँचे, ताकि उसे वो अच्छे से अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले,
ठीक है, और उसे इंजेक्टर के थ्रू सिलेंडर तक के पहुंचा सके। ठीक, इसलिए उसकी जो बनावट है वो ऐसी होती है कि जो आपके टैंक का सारा फ्यूल है वो फ्यूल पंप तक सीधे मतलब डायरेक्टली पहुंचे। तो ये तो ही बनावट भाई। अब बात करते हैं वो ब्लिंक कैसे करते हैं। तो ब्लिंक करने के लिए एक डायग्राम, मैं आपको डायग्राम की मदद से मैं आपको सारी चीज़ समझाता हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक, तो कहानी ऐसी भाई, जब मैंने बताया कि भाई फ्यूल अगर पूरा फ्यूल अगर आपकी टैंक में फुल है तो वो ब्लिंक भी नहीं करेगी ना ऑन होगी। जैसी 4 से 4.5 लीटर मतलब रिजर्व कंडीशन में आएगी तो वो ब्लिंक करने लगती है। ब्लिंक करने की कंडीशन ये होती है भाई, एक सेंसर का खेल है भाई, सारा पूरा सेंसर का खेल है। ठीक है, सेंसर प्लेट एक लगी रहती है, अगर एक लेवल तक के उस पर अगर फ्यूल है, ठीक है, एक लेवल मतलब 4 से 4.5 लीटर तक का, और सेंसर प्लेट से वो जितने बार वो टकराएगा ना उतने बार वो ऑन होगा। ठीक है, जितने बार मतलब आप जब बाइक चलाते हैं तो आपकी जो बाइक है वो तो स्टेबल चल रही है, लेकिन कभी दचकों में, ठीक है, या फिर कभी ब्रेकर्स में जो फ्यूल है वो भी, ठीक है, मोमेंट करता है। तो जैसे जैसे वो मोमेंट करेगा और उस सेंसर प्लेट से वो टकराएगा तो भाई वो सेंस कर लेगा। सेंस करने से क्या होगा कि वो जो लाइट है वो ब्लिंक करने लगेगी जितने बार टच होगी। और अगर आपके जो फ्यूल टैंक है उस पर जो फ्यूल का लेवल है वो 4.5 लीटर से 4 लीटर से अगर कम हो जाता है, मीन्स 3, 2, 1, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सेंसर प्लेट जिस लेवल पे लगी हुई है और जो आपका फ्यूल लेवल है उसके बीच में काफ़ी गेप रहेगा, जिससे क्या होगा भाई, कितनी दचके आ जाए आपके चलने पर वो फ्यूल है ना वो सेंसर प्लेट पर टच नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा कि जो फ्यूल इंडिकेटर जो लाइट है ना कंटिन्यूसली ऑन रहेगी, ब्लिंक नहीं करेगी, ऑन रहेगी। ठीक है, यही तो छोटा सा कॉन्सेप्ट भाई। और इसके साथ साथ मैं एक भाई सेफ्टी टिप्स भी देना चाहता हूँ। FI बाइक क्लियरली मेंशन करी आरी ने, ठीक है, अपनी सर्विस बुक में और वेबसाइट में भी, मीटर 350 हो या फिर कोई भी बाइक हो आरी की, उसमें क्लियरली मेंशन करी भाई FI बाइक है, आपको कम से कम 4 से 5 लीटर पेट्रोल आपको अपने बुलेट के टैंक में रखना ही है, कंपलसरी है। ठीक है, रिकमेंडेड है ये, रखना ही रखना। उसका रीज़न ये है कि भाई जैसे कि मैंने बताया आपको टैंक की जो बनावट होती है, ठीक है, एकदम नीचे लेवल पे फ्यूल पंप लगा हुआ होता है जो टैंक से फ्यूल खींचता है, अगर फ्यूल अगर कम रहा भाई और फ्यूल के साथ एयर आ गई ना तो भाई आपका सबसे पहले फ्यूल पंप ख़राब होगा। ये आरी का कहना है और सारे एक्सपर्ट लोगों का भी यही कहना है। तो प्लीज़ जो आपकी जो बुलेट की टैंक है ना भाई, कम से कम भाई 5 से 6 लीटर, 4 भी नहीं 5 से 6 लीटर तो भाई एटलीस्ट रखिए भाई। इतनी प्रीमियम बाइक है, उसकी केयर तो करनी बनती है भाई, और इतना तो आप लोग कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको जितना भी डाउट रहा होगा इस फ्यूल इंडिकेटर को लेकर आपको सारा क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता हो तो प्लीज़ कमेंट करें, उसका जवाब का भाई तुरंत देगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो भाई को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।